खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शिविर लगाकर समस्याओं के समाधान करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन यहां पर व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आई। कर्मचारी जितने होने चाहिए थे उतने नहीं थे। भारी लापरवाही के चलते लोगों को लाभ कैसे मिल पाएगा? कमलनाथ सरकार के दावों को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, या सरकार के ही ऐसे आदेश हैं? देखना यह है सच्चाई क्या है। पंधाना CO उदयराज सिंह से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जो शिविर नहीं लगा पाए हैं उन पर कार्रवाई होगी। आज बोरगांव में जो कार्यक्रम हुआ वो स्कूल में हुआ, और यहाँ पर जितने भी पद अधिकारी आए नहीं आए किसी को कोई मालूम नहीं है कि कौन आया है कौन गया है। कोई भी जन समस्या सुनने के लायक है? कहने का मतलब गांव में मतलब लोगों को बताया नहीं गया कि आज यहाँ शिविर लगाया है। कोई मुख्यमंत्री की योजना नहीं बताई गई कि मुख्यमंत्री की बावा योजना है कि हमारे कमलनाथ जी की इतनी योजना थी, कोई नहीं बता रहा। गरीबों के लिए हक के लिए कोई लड़े? आपका परिचय दें। अतीक खान से 1,35,000 खुदाई के लिए थे, इसमें लिखा हुआ है अच्छा कागज में, और आज तक इन्होंने रोड बनाया ही नहीं है, वहाँ पे खोद के पटक दिया है, 8 महीने हो गए हैं। जियो तो वाले से किसने पैसे लिए? सचू ने, बोरगांव पंचायत बोरगांव बुजुर्ग। कितने रुपए लिए? 1,00,000 चाहिए। जो हमारी कमलनाथ की सरकार की जो नीति है उनका जो स्वाभिमान है, और उनके बाद में वो चाहते हैं कि हर गरीब के घर हमारी सरकार का मतलब है कि कमलनाथ सरकार चाहती है कि हर किसी को इसका लाभ मिले। कार्यकर्ता जो है या अधिकारी जो है वो पूरे तरह से लापरवाह हो चुका है। मैं तो ये बात कहूँगा कि क्योंकि आज अब तहसीलदार मैडम है, तहसीलदार मैडम है क्या? वॉइस ऑफ MP के लिए खंडवा से जिला ब्यूरो राम पवार नायक के साथ तहसील रिपोर्टर फरीद मंसूरी की रिपोर्ट।